गुजरात के वडोदरा में बड़ोदा हाई स्कूल अलकापुरी में स्वर्ण जयंती के अवसर पर पूर्व विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। स्कूल में जब विद्यार्थी के तौर पर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वो अपने भविष्य में आगे जाकर क्या बनेगा वो उसकी लगन और उसके शिक्षक पर आधारित होता है। आज ऐसे ही जिंदगी में अपना नाम मकाम हासिल कर चुके वडोदरा अलकापुरी स्थित बड़ोदा हाई स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों को स्कूल के स्वर्ण जयंती अवसर पर आमंत्रित किया गया था। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चिन्मय नायक, निर्मित मेहता, निलय स्वादिया, पैरा एशियाई गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता दर्पण इनानी, थिएटर कलाकार हिरवा बड़ेका, स्टैंड अप कॉमेडियन ओम भट्ट, कंटेंट राइटर शकुंत जोशीपुरा, कथक और लोक नृत्य कलाकार दिशा मोरे, दिशा कोठारी, मुग्धा भावे, डीआईजी के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और लॉकिंग पॉपिंग शैली के राजा प्रिंस गुप्ता जैसे कलाकार मौजूद थे। साथ ही स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल चैताली कोरडे भी उपस्थित रहे। सिंगर जो आपको सबूत मिल गया है इस चीज का, स्टार्टेड इस म्यूजिक करियर जर्नी एट द स्कूल इटसेल्फ, ही एक्सप्रेसेस दैट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप जोशी, आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम जीवर्स गांधीनगर। आई एम स्टिल स्टडीइंग, अभी तो लॉन्ग वे टू गो, ओनली फ्यू थिंग्स आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। कमिंग हियर, we passed out in 2020, that's when COVID hit. So after we passed out, सारा contact lose हो गया था friends के साथ. We almost lost touch with everyone. But my boy के साथ मैंने contact रखा. And she invited me here. He last week बोला कि तुझे आना speech देना. I was like yeah. She's like नहीं, spontaneous है तो तू बोलेगा. So I agreed and I'm here. मेरा स्कूल से 15 साल का संबंध है। मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक पढ़ाई किया है और मैं कॉमर्स सेक्शन में थी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई अहमियत रखती है किसी के जीवन में तो वो स्कूल होता है, क्योंकि वहीं से हमारा बेस बनता है और हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, ट्रस्टीज़ और पूरे स्कूल ने हमें बहुत ज़्यादा सहकार दिया है, साथ दिया है और बेस्ट एजुकेशन दिया है। उसी के कारण आज हम जहाँ हैं और जहाँ है वहाँ है, वो बहुत ही अच्छी जगह है और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है इस एल्यूमिनी में आके सबके साथ सबको वापस मिलने की। एग्जैक्ट 20 साल बाद हम वापस आए, ऐसा लगता है घर आए वापस, माँ के घर वापस आए। हम जब यहाँ पढ़ते थे तो हमारा पहला बैच हुआ करता था कॉमर्स का, और BHS की वजह से जब उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम खोली तो वी वर द फर्स्ट 32 स्टूडेंट्स। 32 लोग पूरे बिल्डिंग में दोपहर की शिफ्ट में इतने मौज से पढ़े हैं, लगता नहीं कि पढ़े हैं। आज बहुत सारी चीज़ें याद आती है, पर जो हमें आवकार मिला है, जो सम्मान मिला है, लगता है जैसे अपने घर में आए। आज हमारे सारे कॉलीग्स, हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे जूनियर्स सीनियर्स इतनी इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। एवरीबडी इज़ वर्किंग, सब होम मेकर्स बन चुके हैं, अच्छे अच्छे कारोबार चला रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, अब मैं माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसा लगता होगा स्कूल को भी। हमारे सारे टीचर्स, बहुत आश्चर्य की बात है, उनको हमारे नाम याद है, हम सबके नाम याद है। तो हो सके उतना जिए, ये समय को जिए, पढ़ाई हो, मस्ती हो, जिए, बस आपको ये चीजें बहुत याद आएगी। हमारी बड़ोदा हाई स्कूल अलकापुरी 50 वर्ष पूरी कर रही है, तो इस 50वें वर्ष में हमने एक इवेंट रखा है जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स को, 50 साल पुराने हमारे सारे एक्स स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया हुआ था, और वो लोग हमारे स्कूल में आए हैं आज के दिन में, और सारे जहां जहां से देश भर में जहां जहां भी वो हैं, आज वो आज यहां पर एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं और अपने पुराने टीचर्स से, अपने पुराने दोस्तों से वो मिले हैं, और एक हमने उनको यादों का टोकन दिया है, मोमेंटो दिया है, हर एक को फेलिसिटेट किया है इस इवेंट में, और हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से वो हमारे नेक्स्ट 50 साल के लिए वो जुड़े रहें हमारे स्कूल को, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ।